माधव रेडियो और हम आ चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट में। हाँ मुझे पता, बार बार यही सोचते हुए कि ये हर बार सरोजनी नगर मार्केट में ही जाती है ब्लॉग करने के लिए। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि सरोजनी नगर से मेरा कैसा लगा, बिकॉज मैं यहाँ पे कॉलेज टाइम से ही आ रही हूँ शॉपिंग के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ना आपको एवरी वीक कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमेशा वैरायटीज चेंज होती रहेगी। आप जितने तरीके की शॉप पे जाओगे, हर शॉप पे कुछ ना कुछ अलग और अच्छा मिल जाएगा। और अब तो वैसे भी फेस्टिव मंथ स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जैसे ही फेस्टिव मंथ स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे, मतलब जैसे नवरात्रि आ चुके हैं, अब ना नवरात्रि की ये जो वीक चल रही है, तो इसमें नवरात्रि के टाइम पर आपको आपको पूरा नवरात्रि स्पेशल देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे कुर्तों का कलेक्शन देखने को मिलेंगे, लेगिंग के कलेक्शन देखने को मिलेंगे, टॉप टी सारे काफ़ी अच्छे कलेक्शंस मिलेंगे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे मेरे को जो अच्छा लगता है ना, जैसे अब ये समर जा रहा है एंड अब आपका ना विंटर आने वाला है, तो जो आपका समर का जो कलेक्शन है, तो उसमें क्या होगा कि आपके समर के जितने भी कपड़े होंगे ना, वो पूरे सेल, मतलब कि सेल में निकाल देंगे, जिसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में काफ़ी भीड़ है, बिकॉज अब नवरात्रि आ रहे हैं, तो सब शॉप के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम, आप भी चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि आज क्या क्या हमें मिलने वाला है नया यहाँ पे। आज तो मैंने मार्केट में एंट्री ले ली, और इस बार मैंने एंट्री जो है पार्किंग साइड से ली, और आप देख सकते हो मार्केट में इस बार कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि पता चल रहा है कि हाँ फेस्टिवल्स आने वाले हैं, लोग मार्केट में शॉपिंग के लिए आ चुके हैं। तो आप भी घर बैठ के वेट मत करिए, आप भी शॉपिंग के लिए फटाफट आ जाइए। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ आपको ऐसा दिख जाए जो आपको बहुत पसंद है, और पक्का आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे पहले मैं आई थी इस स्टॉल पे, ये स्टॉल 80 रुपीज़ का सेल लगा हुआ था। ये स्टॉल शॉप नंबर 111 के जस्ट सामने लगा हुआ था। इस पे से आप कुछ भी पिक कर सकते हैं जस्ट ₹80। और इनके पास काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी थे, एंड आप यहाँ से हाई नेक हो गया, स्वेटर्स हो गए, या फिर आप कार्डिगन्स वगैरह कुछ भी पिक कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि 80 रुपीज़ का है, तो कुछ ना कुछ तो ख़राब होगा कि इसकी वैरायटी ख़राब होगी या कलर बेकार होगा, डल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कि इसके कलर वगैरह भी बहुत ही प्यारे थे। एंड उसके जस्ट बगल में ये शॉप है, शॉप नंबर 116, जिसको आप देखेंगे तो इनके पास भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको कुछ रैंडम शॉप ही दिखाने वाली हूँ जो काफ़ी अच्छी लगती है, जहाँ से मैंने कुछ ना कुछ ख़रीदा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से प्लाजो हो गया, आपका शर्ट हो गई, आपके जंप सूट्स हो गए, आप कुछ भी यहाँ से पिक कर सकते हो। 200 के स्टार्टिंग प्राइस थी यहाँ पे। तो उसके जस्ट बगल में शॉप नंबर 118 में ये फॉक्स फर की वैरायटी मुझे बहुत पसंद आई थी, इनके पास काफ़ी कलर ऑप्शंस भी थे। एक्चुअली आप अगर ऑनलाइन फॉक्स फर वगैरह लेते हो ना, फॉक्स फर की इस तरीके से जैकेट्स लेते हो, तो वो आपको 2000 से ऊपर की ही रेंज में मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे आपको ये 1000 से भी कम की मिल रही है। एंड उसके बगल में ये ग्रेफिटी लेन का ये सेक्शन तो व्हाइट शर्ट्स के लिए फिक्स है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, एंड ग्रेफिटी लेन में ब्लेजर्स की लाइन और बाहर दोनों आ चुकी है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जैकेट्स हो गया, ब्लेजर्स हो गए, आपके लॉन्ग कोट हो गए, आप कुछ भी यहाँ से पिक कर सकते हो। और अगर ये आपको प्राइस बता रहे हैं 750 या 650 की रेंज बता रहे हैं, तो आप इजीली बार्गेन करके उसको 250 की रेंज में ग्रैब कर सकते हैं। एंड गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जैसे ये और भी लोगों तक पहुँचे। बॉयज़ की शर्ट की शॉप है। एक्चुअली ये शॉप मेरी पर्सनली मेरी फेवरेट है, मैं जब भी जाती हूँ यहाँ से एक शर्ट जरूर पिक करती हूँ। अगर आप यहाँ से हाफ़ शर्ट लेते हैं वो 350 की रेंज, एंड अगर आप फुल शर्ट लेते हैं तो वो 400 की रेंज में आपको मिलती है। और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिंट ऑप्शंस, कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जो आप फेस्टिवल लुक के लिए भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। एंड उसके जस्ट बगल में शॉप नंबर 195 ये शॉप, जहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे जो हल्की सर्दियाँ होती है ना, उसमें पहनने के लिए आपके जैकेट्स हो गए, छोटे से मतलब हल्के वाले ब्लेजर्स हो गए, डेनिम जैकेट्स हो गए, इस तरीके की वैरायटी देखने को मिल रही थी, जो कि 250 की रेंज से स्टार्टिंग प्राइस थे। एंड उसके बाद यस, सरोजनी नगर में आए हैं और सनग्लासेस नहीं देख रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है पॉसिबल। यहाँ पे ये 100 रुपीज़ की स्टार्टिंग प्राइस होती है, वो आपको 250 बोलेंगे, आप इजीली उसको 100 रुपीज़ में ले सकते हैं, वो भी ज़्यादा
मतलब बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपके ये ज्वेलरी शॉप, ये इयररिंग शॉप मुझे बहुत पसंद आई थी, बिकॉज इसमें कुछ भी मुझे कॉमन नहीं लगा था। इनके पास ही बहुत प्यारे प्यारे और अलग स्टाइल के डेंगलर्स हो गए, आपके हुप्स हो गए, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज बहुत ही प्यारे प्यारे थे। इनकी स्टार्टिंग रेंज 50 रुपीज़ से थी। इनके पास छोटे टॉप्स वगैरह भी 20-10 रुपीज़ के आपको ईजिली मिल जा रहे थे। अब उसके बाद ये नेक पीसेस की शॉप भी उसके जस्ट पास में ही लगी हुई थी। यस, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है नेक पीसेस का। ये आपके किसी भी लुक को एक बहुत ही प्यारा सा निखार, जो कहते हैं ना, वो निकाल के देता है। यहाँ से ये 100 रुपीज़ की सेल लगी थी, आप यहाँ से कोई भी नेक पीसेस 100 रुपीज़ में ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद आई थी मैं इस शॉप पे। इस शॉप पे आपको विंटर एंड समर दोनों का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इनके पास जैकेट्स हो गई, डेनिम जैकेट्स के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे, डेनिम शर्ट्स भी थी, डगरी हो गई आपके, डेनिम्स हो गई आपके, मिडी हो गई आपके, काफ़ी सारे प्लाजो पैंट्स वगैरह सब कुछ थे। इस पर 200 के स्टार्टिंग प्राइस थी एंड क्वालिटी भी बहुत ही प्यारी थी, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके जस्ट बगल में ये शॉप थी जिनके पास मैक्सी ड्रेसेस हो गई आपके, कार्डिगन्स वगैरह हो गए आपके, काफ़ी प्यारे प्यारे कलर ऑप्शंस हो गए, समर एंड विंटर दोनों इनके पास भी थे, प्लाजो वगैरह इनके पास भी थी। इनके पास शॉर्ट स्कर्ट्स हो गए, आपको इसकी स्टार्टिंग प्राइस 200 रुपीज़ से थी। इस बार सरोजनी में 200 की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, जैसे ये स्कर्ट की स्टॉल, ये भी 200 की स्टार्टिंग प्राइस थी। और मुझे ये स्टॉल इसलिए भी बहुत पसंद आई थी, अब अगर हमने यहाँ से स्कर्ट लिया ना, हो सकता है थोड़ा सा साइज अल्टर करवाने की ज़रूरत पड़े, बट आप इसको किसी भी क्रॉप टॉप के साथ एक अलग सा फेस्टिव लुक दे सकते हैं। एंड उसके बाद ये टी शर्ट की शॉप मुझे इसलिए भी पसंद आई थी, यहाँ पे आप जितनी भी टी शर्ट बाहर लगी हुई देख रहे हो, तो ये 100 रुपीज़ की स्टार्टिंग प्राइस थी। एंड इनके पास बॉक्सर्स हो गए एंड जैकेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल थी। मेरे अब शॉपिंग हो चुकी है ख़त्म, ये देखिए सारे के सारे सामान। मैं इसी वीडियो के एंड में आपको सारा सामान दिखाने वाली थी, बट अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो मैं सारा आइटम आपको अपने इंस्टाग्राम पे, या हो सका तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई अलग से वीडियो बना दूँगी इस सारे सामान की, कि मैंने यहाँ पर क्या क्या खरीदा है। बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस में मुझे बहुत सारा सामान मिला, इसलिए मैंने सब कुछ उठा लिया। होप आपको इस वीडियो अच्छी लगे, और आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।